नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस के पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 11वां नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत उपयोगी है? राजनीतिक सिद्धांत उपयोगी है तो देखो, अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक घटनाओं तथा मूल्यों का संतुलन लाने के लिए, ठीक है, या हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के लिए राजनीतिक सिद्धांत है वो उपयोगी है, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन। नंबर सेकेंड नंबर प्रश्न है, किस राजनीति शास्त्री ने राजनीति सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है? किस राजनीति शास्त्री ने राजनीति सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर चार नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखो, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता व समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। दोबारा देख लो, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर पाँच नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निम्न में से किसे निर्वाचित किया गया था? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सिक्स प्रश्न है, इसके अंदर देखो, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया? तो कब किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, सी राजगोपालाचार्य थे अंतिम गवर्नर जनरल, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर आठ नंबर प्रश्न, इसके अंदर देखो भारत में, सॉरी, इसमें देखो नंबर आठ प्रश्न में भारत के गणतंत्र होने का अभिप्राय है, तो गणतंत्र होने का अभिप्राय है वो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर नाइन प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 12 से 18, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जे एस मिल को खोखली स्वतंत्रता का संदेशवाहक कहा? किसने जे एस मिल को खोखली स्वतंत्रता का संदेशवाहक कहा? तो किसने कहा? तो दोस्तों, ई बारकर ने कहा था, ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? तो वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक व आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 12 नंबर प्रश्न, इसके अंदर देखो, धर्मनिरपेक्षता के निम्न में से किस मॉडल के अंतर्गत राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और धर्म राज्य सत्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता? तो दोस्तों, किस मॉडल के अंतर्गत है ये? तो ये है अमेरिकी मॉडल के अंतर्गत, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास कृति किसकी रचना है? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास कृति किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है टीएच मार्शल का, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, विकास का अर्थ होता है, तो दोस्तों, विकास का अर्थ है एक समय विशेष तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो, नंबर 16 नंबर प्रश्न,
राष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो गोपनीयता की शपथ है राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 नंबर प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? तो वो है दोस्तों केवल संसद के सदस्य, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर देखो नंबर 18 नंबर, निम्न में से किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर प्रश्न है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की सामान्य अवधि किस तरह बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों वो है संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं नंबर 21 नंबर प्रश्न, इसके अंदर देखो उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किस विवाद में प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किस विवाद में प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत मुकदमे, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो उच्च न्यायालय निम्न में से किसे अस्वैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हो? उच्च न्यायालय निम्न में से किसे अस्वैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राज्य का कानून, केंद्रीय कानून, संविधान संशोधन, उपयुक्त सभी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23 नंबर प्रश्न, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या इससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है? राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या इससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है, तो वो किसको है? तो वो है दोस्तों राज्य विधानमंडल को, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का सामान्यतः कार्यकाल होता है तो कितना होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ठीक है। नंबर 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का है? तो मुख्यमंत्री का कार्य है, तो देखो मंत्रियों में कार्य का बंटवारा, मंत्रिपरिषद का निर्माण, शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है उपयुक्त सभी, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नंबर 26 नंबर प्रश्न, संवैधानिक रूप से एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संवैधानिक रूप से एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 27 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 163, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, भारत में शीर्ष संघ का विकास हो रहा है यह कथन है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन रजनी कोठारी का है, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो वो है दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 30 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो द फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म किस विद्वान की रचना है? द फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म किस विद्वान की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है नेल्सन रॉकफेल्ट, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 31 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद परिवर्तित किए गए राज्यों के नाम में परिवर्तन के बाद निम्न में से कौन सा मेल असंगत है? तो कौन सा मेल असंगत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है देखो ये सारे के सारे बिल्कुल सही है, मैसूर का कर्नाटक, मद्रास का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद परिवर्तित किए गए नाम है ये,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा है नंबर डी ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, असंगत सारे बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबर 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता निम्न में से किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33 नंबर प्रश्न, नंबर 33 नंबर प्रश्न है, तो इसके अंदर देखो पंचायती राज्य संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसका है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अशोक मेहता समिति का, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 34 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग में सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो वो है दोस्तों महिला वर्ग का। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 35 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, तो वो थे राजीव गांधी, महात्मा गांधी और सिद्धाराज डड्डा, उपयुक्त सभी इसके पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 36 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुनाव करवाकर भारत में विलय हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप है, तो इसका बहुदलीय है, भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप है बहुदलीय है, ठीक है, एक दलीय नहीं है। नंबर 38 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के निर्माण का प्रमुख आधार है, तो क्या है वो प्रमुख आधार, तो वो नेतृत्व है, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 39 नंबर प्रश्न है, किसके विकास की धारणा भौतिक विकास से संबंधित न होकर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित थी, तो वो थी गांधी मॉडल, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 40 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो शीत युद्ध के अंत से संबंधित घटनाओं को काल क्रमानुसार बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए शुद्ध उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें है सोवियत संघ का अंत, नंबर थ्री ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसके अंदर देखो इसमें देखो दोस्तों दोबारा देखो इस प्रश्न को, शीत युद्ध के अंत से संबंधित घटनाओं को काल क्रमानुसार बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, तो दोस्तों इसके अंदर देखो सबसे पहले ही पहले आएगा वो है वर्षा की संधि, ये नंबर एक पे आएगा, फिर दोस्तों ये आएगा नंबर दो पे सोवियत संघ का अंत, नंबर तीन पे आएगा वो है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, और नंबर चार पे आएगा बर्लिन की दीवार का ढहना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312। अब इसमें देखो 4312, ये देखो नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों दोबारा देखो इसको, चालीस नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत से संबंधित घटनाओं को काल क्रमानुसार बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए शुद्ध उत्तर का चयन कीजिए, तो शुद्ध उत्तर का दोस्तों अपने को इसमें चयन करना है, तो इसमें देखो चार अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं, अपने को इसमें मिलान करना है, मिलान नहीं करना, ऐसे बताना है कि कौन सा सबसे पहले, फिर उसके बाद में कौन सा, फिर उसके बाद में कौन सा, ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले पहले आ जाएगा दोस्तों बर्लिन की दीवार का ढहना, ये आ जाएगा नंबर एक पे, ठीक है, फिर जर्मनी का एकीकरण, ये आ जाएगा नंबर दो पे, फिर उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों वो है वर्षा की संधि, ये तीन पे, और सोवियत संघ का अंत ये चार पे आ जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 2143, ठीक है, 2143 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंबर देखो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट नंबर 41 नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना कौन से वर्ष हुई,
तो नाटो की स्थापना है 1949 में हुई थी। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 42 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध का परिणाम है, तो शीत युद्ध का परिणाम है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 43 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जब शक्ति का एक ही केंद्र होता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वर्चस्व कहा जाता है। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 44 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों सुरक्षा परिषद को। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। मैं डायरेक्ट आपको इसमें इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में सदस्यता को वापस लेने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य कथन है इसके अंदर। नंबर 46 नंबर प्रश्न है, 9 दिसंबर 2011 को यूरोपीय संघ का 28वां बनने वाला सदस्य देश कौन सा है, तो यूरोपीय संघ का 28वां बनने वाला सदस्य देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है क्रोशिया। ठीक है, क्रोशिया नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 47 नंबर प्रश्न है, रोमानिया और बल्गारिया को यूरोपीय संघ की सदस्यता कब प्रदान की गई, तो वो है दोस्तों जनवरी 2007 में इसकी सदस्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 48 नंबर प्रश्न, दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 49 नंबर प्रश्न है, आसियान का प्रमुख उद्देश्य है, तो आसियान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है, तो देखो कृषि व्यापार उद्योग के विकसित में सहयोग देना, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 50 नंबर प्रश्न, इसके अंदर देखो, सार्क का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला निम्न में से कौन सा है, कौन सा देश है। ठीक है, सार्क का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला देश निम्न में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों नेपाल। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 51 नंबर प्रश्न है, सार्क ने वर्ष 1995 को किस रूप में मनाया, तो किस रूप में मनाया, तो दोस्तों दक्षेस गरीबी उन्मूलन वर्ष। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 52 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1961 में बेलग्रेड में। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 53 नंबर प्रश्न है, आज किन क्षेत्रों में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नजर आती है, आज किन क्षेत्रों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नजर आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देखो अमेरिकी दादागिरी का विरोध करने के लिए, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार व्यवस्था की पुरजोर मांग के लिए, आणविक निशस्त्रीकरण हेतु दबाव बनाने के लिए, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 54 नंबर प्रश्न है, विदेश नीति का प्रारंभिक बिंदु होता है, तो विदेश नीति का जो प्रारंभिक बिंदु है वो राष्ट्रहित होता है, कौन सा राष्ट्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में इनमें से कौन सी है, तो वो है दोस्तों हैदराबाद विवाद, शरणार्थियों का प्रश्न, जूनागढ़ विवाद, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 56 नंबर प्रश्न है, नव रूढ़िवाद द्वारा किस राज्य का पक्ष पोषण किया जाता है, नव रूढ़िवाद द्वारा किस राज्य का पक्ष पोषण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सामाजिक बीमा राज्य। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य संघों का संघ है, इस वक्तव्य का निम्न में से कौन सी अवधारणा करती है, तो कौन सी अवधारणा करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बहुलवाद, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 58 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता की सत्ता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध जीन बिंदु स्वीकार करता है, तो वो है दोस्तों प्रकृति और ईश्वर के कानून, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 59 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से बेमेल कथन का चयन कीजिए, तो बेमेल कथन का चयन करना है, तो देखो होप्स राजनीतिक संप्रभुता ये इसमें गलत हो जाएगा, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 60 नंबर प्रश्न है,
राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है तो वो है समुदायों की स्वायत्तता, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 61 नंबर प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है मैकाइवर से संबंधित, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 62 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट में से इनका उत्तर बताना है। तो देखो दोस्तों, एक तरफ दी गई है राजनीति विज्ञान की प्रकृति और दूसरी तरफ है विद्वान, दूसरी तरफ है विद्वान। तो दोस्तों अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखो करते हैं, राजनीति शासन की एक श्रेष्ठ कला। तो दोस्तों इसके विद्वान कौन थे, तो इसके विद्वान थे प्लेटो, कौन थे प्लेटो। राजनीति संभावना की कला, तो ये हो जाएंगे दोस्तों बिस्मार्क। और राजनीति पिछड़ी कला, पिछड़ी हुई कला, तो इसका हो जाएगा बकल। और राजनीतिक विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध कराता है, तो ये है दोस्तों बंसली, ठीक है बंसली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3142, 3142 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3142 नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 64 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो किसने लिखी है, तो दोस्तों अरस्तू ने लिखी है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है, तो वो लक्षण कौन सा है, तो वो है ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर बल, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 65 नंबर प्रश्न है, क्लासिकी यानी कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का विशेष रूप से हमें किन रचनाओं में दिखाई देता है? तो वो है दोस्तों गार्नर, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विसदनीय व्यवस्थापिका का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विसदनीय व्यवस्थापिका का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संघीय हितों का संरक्षण नहीं, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 67 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सीनेट व प्रतिनिधि सभा, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 68 नंबर प्रश्न है, तो इसके अंदर देखो भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसको प्रदान करता है? भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसको प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के राष्ट्रपति को, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, औपचारिक कार्यपालिका उदाहरण नहीं है, तो औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 70 नंबर प्रश्न है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है, यह कथन संकेत करता है? तो यह है अमेरिका, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 71 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका प्रशासन पर अपना नियंत्रण किस प्रकार रखती है? तो किस प्रकार रखती है, न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है? तो न्यायपालिका का कार्य है वो संविधान का संशोधन करना, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 73 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता या शक्ति निहित होती है, तो वो है जनता में, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 14 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो अधिनायकवाद के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है वो असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यह राज्य व समाज में भेद करता है, यह राज्य और समाज में भेद करता है, यह इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य कथन यह है। नंबर 75 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल तब तक बना रहता है कि जब तक उसे विधानसभा में उसका बहुमत रहता है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 76 नंबर प्रश्न, इसके अंदर देखो संघीय शासन में केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? संघीय शासन में केंद्र तथा राज्यों
में शक्तियों को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, तो वो है संविधान के द्वारा, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, बहुमत प्रणालियों के प्रकार हैं, तो वो हैं दोस्तों देखो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप पढ़ लेना इनको, ये सही है सारे के सारे। नेक्स्ट नंबर 78 नंबर प्रश्न है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है, तो वो है अल्पमत वाली सरकार की संभावना, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 79 नंबर प्रश्न है, मतों की गणना नहीं की जानी चाहिए, उन्हें तोला जाना चाहिए, यह उक्ति निम्न में से किसकी है, तो वो है जेएस मिल की, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है, तो राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व है वो विदेशों द्वारा मान्यता नहीं है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 81 नंबर प्रश्न है, चीन व अन्य साम्यवादी देशों में निम्न में से कौन सी पद्धति पाई जाती है, तो कौन सी पद्धति पाई जाती है, तो वो है दोस्तों एक दलीय, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो लापा लोम्ब्रा ने दलों के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा आधार नहीं माना है, तो कौन सा आधार नहीं माना है, तो दलों की संख्या, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 83 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह का सर्वोत्तम लक्षण है, तो दोस्तों वह है अदृश्य शासकीय, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 84 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दबाव समूह की गतिविधियों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों अमेरिका, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 85 नंबर प्रश्न है, जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे तब तक राज्यों की बुराई का अंत नहीं होगा, यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह है प्लेटो का कथन, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 86 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत लागू होता है, तो यह है सैनिक व दार्शनिक वर्ग पर, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 87 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक गुण अपेक्षित है, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक गुण अपेक्षित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है तर्क बुद्धि, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 88 नंबर प्रश्न, इसमें देखो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विकसित किया है, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 89 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो कौटिल्य द्वारा विदेशी संबंधों के संचालन के लिए दी गई नीतियां हैं, तो कौन सी नीतियां हैं, तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है संधि विग्रह द्विवेदी भाव, तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 90 नंबर प्रश्न, मेक्यावेली के काल मध्यम युग और आधुनिक काल का संधि काल है, यह कथन सही है या गलत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन सही है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 91 नंबर प्रश्न है, राज्य विस्तार के संबंध में मेक्यावेली के विचार प्लेटो से मेल नहीं खाते हैं, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 92 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो यह कथन निम्न में से किसका है, यह कथन निम्न में से किसका है, प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी दरिद्र अपवित्र असभ्य और क्षणिक था, तो यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है होब्स का, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट नंबर 93 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम का चयन कीजिए, तो सही क्रम का अपने को इसमें चयन करना है, तो इसमें देखो नरसैंगिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध व सभ्य समाज, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 94 नंबर प्रश्न है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है वो आदर्श इच्छा का योग, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 95 नंबर प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि शासन के बारे में अपने विचार मुख्यतः निम्न में से किस कृति में प्रकट किए हैं, तो वो है दोस्तों इसमें देखो कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट,
ये हो जाएगा नंबर बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा अनुरूप नहीं है? तो वो है दोस्तों, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 97 प्रश्न है, पार्वती एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, दादाभाई जन नेहरू जी है इस पुस्तक के रचयिता। नंबर 98 प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा धर्म के विषय में गांधी जी के दृष्टिकोण का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों, प्रार्थना अर्चना प्रार्थना अर्चना पूजा की किसी भी अन्य पद्धति के माध्यम से ईश्वर का नियमित आराधना, ये लक्षण नहीं है दोस्तों, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 99 प्रश्न है, तो इसमें देखो, अंबेडकर अत्यधिक प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे? तो दोस्तों इस्लाम धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित थे, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 100 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांत का तत्व नहीं है? तो वो है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, ये तत्व नहीं है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 101 प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है शासन में सभी हितों एवं विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 102 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो वो है अमेरिका में, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 103 नंबर प्रश्न है, दलितों के उत्थान की बात करने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों, काशीराम, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा दल क्षेत्रीय है? तो कौन सा दल क्षेत्रीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है राष्ट्रीय जनता दल, ये क्षेत्रीय दल है। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 105 नंबर प्रश्न है, 1953 में गठित पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? तो फैजल अली, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर 106 नंबर प्रश्न है, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, अपने को क्या करना है? इसमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो है दोस्तों कि कौन सा युद्ध है या कौन सा समझौता है वो किस वर्ष हुआ था, वो अपने को इसमें बताना है। तो इसमें देखो, भारत पाक युद्ध, तो दोस्तों ये 1965 में हुआ था, अप्रैल 1965 में। ताशकंद समझौता, ये दोस्तों 10 जनवरी 1966 को। शिमला समझौता है वो 28 जून 1972 को। और लाहौर घोषणा है वो दोस्तों कब हुई थी? 21 फरवरी 1999 को। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो 4123, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 107 नंबर प्रश्न है, तमिल समस्या संबंधित है, तो तमिल समस्या संबंधित है वो किससे है? तो श्रीलंका से है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है? तो वो है दोस्तों नेपाल। ठीक है, नंबर 109 प्रश्न है, ताशकंद समझौता निम्न में से किस देश के प्रयास के फलस्वरूप हुआ? तो वो हुआ सोवियत रूस के फलस्वरूप। ठीक है, भारत पाक संबंधों की मुख्य समस्या है, तो वो है कश्मीर विवाद, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 111 प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तम उपलब्धि परीक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? अस्पष्टता, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं तो कौन है? तो वॉटसन, नंबर डी ऑप्शन। नंबर 113 प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, नंबर 114 प्रश्न है, निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए, तो क्रमवार जमाना है, तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाएगा उद्देश्य निर्माण नंबर एक पे, फिर उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये दो नंबर पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा दोस्तों सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये तीन नंबर पे। और चौथे नंबर पे आ जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है सी ए
डी बी सी ए डी बी, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 115 नंबर प्रश्न है, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, इन पर निर्भर करती है। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 116 प्रश्न है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो वो है कोहलबर्ग से संबंधित। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 117 नंबर प्रश्न है, ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है? तो यह है स्वेगात्मक व्यवहार है। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 118 प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? तो दोस्तों किशोर अवस्था को कहा जाता है। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 119 प्रश्न है, किशोरों को निम्न में से क्या नहीं दिया जाना चाहिए? तो क्या नहीं दिया जाना चाहिए? तो वो है दोस्तों लालच। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो नंबर 120 नंबर प्रश्न, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, तो क्या प्रयास करता है? तो देखो विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों यह हो गया आज का अपना जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर, ठीक है, सॉरी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें जो 30 क्वेश्चन हैं वो दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट के दोस्तों प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारे टॉपिक के दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक के वहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी दोस्तों मैं इन्हीं के अंदर लिखता, तो क्या फ़ायदा दोस्तों, आप वहीं पर जाके पढ़ लेना, टॉपिक वाइज उनको रट लेना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ फोल्डर बना हुआ है शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन के नाम से। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उनको पढ़ लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।